Close your eyes. Enjoy the sound. दोस्तों, मैं मुरली धर्मौरिया, मेरे यूट्यूबर बलूर, स्मार्ट यूट्यूबर बलूर चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत। मुस्लिम को सलाम वालेकुम और जीसस को मानने वाले को प्रेज़ द लॉर्ड, ईश्वर की महिमा हो। और हम उस परम सत्ता को जो कण कण में व्यापक है, अभी भी मैं उनका अव्यक्त संगीत म्यूजिक मेरे अंतःकरण से सुन रहा हूँ। जो आप ये ज्ञान और ध्यान की बात है, आप कोई दिखाई नहीं देगा। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य दिखाई देता है, करोड़ों माइल हमसे दूर है, मगर उनका जो प्रकाश है हमें नवजीवन देता है। पशु पंखी सभी जागृत हो जाते हैं सूर्य जब उदय, ऐसे तो प्रकाश वो वहाँ अवकाश में एक रस है, वहाँ ना दिन है ना रात है, मगर हमारे धरती का एक गति हो रही है। गति के कारण सुबह और शाम हम देखते हैं, तो सूरज का जो प्रकाश है वो हमें नवजीवन देता है। हम जो भी खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं, जीवित है, वो वनस्पति तैयार करती है और वनस्पति को जीवन देने वाला सूर्य का प्रकाश है। तो वो ईश्वर की असीम अनुकंपा है, नवसर्जन है, हर पल उसमें नया नया बनता रहता है, पुराना नष्ट होता चला जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 21 जून को विश्व योग दिन, पूरे भारत में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है, और मैं नमन करता हूँ यूनो को, विश्व संस्था, जिन्होंने इस दिन को 2015 में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से 2015 से पूरे विश्व में मनाया जाता है, विश्व योग दिवस। तो आज हम आपको योग के बारे में, जो मैंने बताया कि जब विश्व नहीं था, ये पूरा कायनात नहीं था, ईश्वर ही थे, तो उस समय योग गीता में आता है, अर्जुन को कहते हैं कि मैं आज तुझे जो गीता का ज्ञान देने वाला हूँ, गीता का यारी आत्मज्ञान, तेरा और मेरा अनेक जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मगर मैं जानता हूं। और उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तीसरा नेत्र ऐसा ऑपरेशन करके खोलते हैं डॉक्टर, ऐसा नहीं, एक स्पार्क से, अपने स्पर्श से अर्जुन ने देखा, ओ जिसे मैं अपना मित्र मानता हूं, साला मानता हूं, वो तो सृष्टि का नायक है, सृष्टि का सृजनहार है, उनका विराट स्वरूप देख के, सच्चाई जान के वो नमन करता है बाद में। और उसके पहले कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मैंने योग आपको दिखाया, योग के प्रकाश रूप आत्मा का, वो मैंने योग सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था। बाइबल में भी यही बात ही आती है, जब सृष्टि नहीं थी, पृथ्वी नहीं थी, ये हमारी पृथ्वी, इस धरती पे हम पैदा हुए आज जी रहे हैं, और सृष्टि भी पैदा नहीं हुई थी, उससे पहले योग कृष्णा भगवान ने सूर्य को दिया। सूर्य एक आग का गोला आज भी है,
हम जानते हैं, देखते भी हैं। तो आप सोचिए, उस समय जब मनुष्य शरीर नहीं था, इस पृथ्वी नहीं था, तो कृष्ण भगवान ने किस रूप में और कैसे सूर्य को आत्मा का ज्ञान योग सिखाया, आत्मा योग सिखाया, अपने आप की पहचान, ए टेक्निकल आज ईश्वर की अनुकंपा से अलग की इच्छा है, या कह परमेश्वर की, परमपिता की इच्छा है कि हर इंसान जिसने जन्म लिया इस पृथ्वी पे, वो मेरी सच्चाई जाने। इसलिए पहले जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे तब ये सच्चाई जान पाते थे, चार पांच लोग ही ये सच्चाई जानते थे कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा रूप का दर्शन उनके स्पर्श से, उनकी योग शक्ति से तुरंत ही एक सेकंड में, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट तुरंत ही बल्ब प्रकाश देने लगता है, स्विच ऑफ किया तो प्रकाश बंद। तो उसी प्रकार जो ये स्विच है वो ज्ञानी लोग जानते हैं, और स्विच लगाते ही तुरंत ही आपके अंदर 5-10 मिनट भी समय नहीं लगता, अगर ज्ञानी अनुभवी होता है तो तुरंत ही वो आपको अनुभव कराते हैं। वो बाहर का ज्ञान नहीं देते, कोई शब्दों से, कोई मुंह से कोई शब्द नहीं बोलते हैं, समझाने के लिए बोल सकते हैं मगर वो भी वहाँ जरूरी नहीं है, वहाँ मन और बुद्धि भी नहीं पहुँच पाते दोस्तों। तो उसके रचित मन और बुद्धि से जो भी हम मुंह से बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, वो शब्द नाश्वंत है। 52 अक्षर माया माही, तीन में सत्य नाम नाही नाही नाही, तीन बार कबीर ने कहा कि ईश्वर चुप का जो नाम हम जपते हैं अपने जुबा से, इसे देखा जाए इस चीज से जो भी शब्द बाहर निकलता है वो झूठा है, दिखता भी नहीं है। और हमने जैसे कि राम कहा तो रस से जन्म होता है शब्द का, और मस से एंड होता है, अंत हो जाता है। तो ये अविनाशी नाम नहीं है, ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वर का नाम भी अविनाशी है, उस शरीर का नहीं, एक ऐसा नाम है जिस रूप में ईश्वर आए, उन्होंने जो क्रिया किया गुण के अनुसार, राम है, कृष्ण है, यीशु है, मोहम्मद पैगंबर सलम जिसके ऊपर ईश्वर ने अपने राज प्रकट किए, वही उतारे जीवन जीने की रीत। मन करते हैं ऐसे महापुरुषों को, संतों को, बहुत सारे संत हमारे भारत में भी ईश्वर ने तो जन्म ही लिया है, और मैं भी जानता हूँ वो कयामत तक इंतजार नहीं करते। आपका जैसे मौत होता है वो आपका हिसाब किताब है, मौत होने के बाद हमें नया जीवन मिलता है, जैसा हमारे कर्म रहेंगे उस हिसाब से तुरंत ही वही सेकंड में, ऐसा नहीं कि 10 दिन 15 दिन के बाद। और मेरे पास लाइव प्रूफ है, मेरे दो बच्चे, एक मेरी पत्नी की माँ जब बनारस में VHU हॉस्पिटल में थी, उनका प्राण 9 बजे के आसपास छूटा होगा, मेरी पत्नी को पता नहीं, मेरे पत्नी और भाई दोनों गए थे, मैं यहाँ पढ़ा रहा था पांडेश्वरा सूरत में, और उसी समय उनके गर्भ में हलचल पैदा होती है मगर हम समझ नहीं पाए, वहाँ से प्राण निकला और उनके गर्भ में 5.5 साल के आसपास था गर्भ। आप जानते हैं कि डॉक्टर मना कर देते हैं क्योंकि उस समय हमारा शरीर अंदर बालक का जो शरीर है, हमारा शरीर तैयार हो जाता है, और उसके बाद प्राण, आप देखें छोटे बच्चे को यहाँ आगे खड्डा रहता है थोड़ा, आप हाथ रखेंगे तो एकदम नरम नरम लगेगा, तो वहाँ से प्राण हमारे इस शरीर में प्रवेश होता है 5.5 महीने के बाद। और 2 दृष्टांत मेरे घर में ही है, तो पत्नी की माँ यानी मेरी सास ही मेरी बेटी बन के आई है, जिसका नाम रिंकू है, आज वो 28 साल की हो गई है, और दूसरा एक लड़का है रवि, वो मेरे पिताजी हैं। उस समय भी मैं, मेरी औरत गर्भवती थी, 5.5 महीना चल रहा था, और पिताजी को सदर हॉस्पिटल में अटैक आया, अटैक आ गए और वहाँ ले गए, तो 7 बजे के आसपास उनका प्राण निकला। मैं उस समय भी नहीं था, उस समय भी मैं रिजल्ट
देने उसी दिन दिया 5 मई को। दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल है। आत्मा को मैंने देखा है तो आत्मा की रहस्यमयी दुनिया में जान सकता हूँ और भारतीय ऋषि मुनि को प्रणाम करता हूँ, इस सच्चाई को पूरे विश्व में योग के माध्यम से बताया। तो दोस्तों देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत ही रहस्यमयी बात जो कोई शास्त्र में नहीं है, वो अनुभव की बात है। जो वेद प्रकट हुए वो बहुत सालों के, करोड़ों साल के बाद लिखा गया। पहले तो मोह चौबानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आया है धर्मशास्त्र। तो दोस्तों, और उसी समय वहाँ प्राण निकलता है, अटैक आने के बाद ऑक्सीजन चढ़ाते थे तो नर्स ने खींच लिया और उसी समय उनका शरीर, वो आत्मशक्ति निकल गए। उस समय शाम के 7 बजने का टाइम है, अभी भी 7 बज रहा है, 7:15 के आसपास हो रहा है, शाम का टाइम है। और मेरी महाराज अभी दीवा गर्भवती करने के लिए आ गई है, मेरे सामने है। तो उस समय उनका प्राण निकलता है और मेरे पत्नी, हम सूरत में रहते थे, पांडेसरा भटार में मेरी ससुराल में, तो वहाँ भी उनके पेट में हलचल होती है और अंदर बच्चा लात मारता है तो उनको महसूस होता है। अच्छा, कभी हिलता नहीं है, मगर जब वो प्राण अंदर जाता है तुरंत ही ये शरीर हमारा बच्चे का वो एक्टिव हो जाता है और उसी समय से वो परमात्मा के साथ, परमात्मा के प्रकाश का दर्शन करता है। और आप छोटे बच्चे के देखेंगे, जब बाहर पैदा होते हैं तो उनकी जीभ ऐसा टेढ़ी रहती है, अंदर तालवा है, एक ऐसा लटका रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो श्वास नली बंद हो जाती है और खाना हमारे पेट में जाता है, आंतों में जाती है और हम सांस लेते हैं, उसके बीच में ये लटका हुआ है तो तालवा उसे कहते हैं। तो बच्चे का जो जीभ है वहाँ लटका रहता है तो वो अमृत का पान करता है। हमारे ऋषि मुनि ने अभ्यास करके कहा, ये भी योग टेक्निक जो बच्चा कर रहा था, जिसे किसी ने नहीं सिखाया, उस ज्ञान को मैं, आप अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सबके लिए है, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं, क्रिश्चियन के लिए, हर मानव के लिए है। इसलिए वहाँ कोई जाति का धर्म नहीं है, ये सब पृथ्वी का है, पृथ्वी में ही रह जाएगा, मगर परमात्मा ब्रह्मांड का व्यापक है, वहाँ ब्रह्मांड का नियम चलता है। ये पृथ्वी का नियम, जाति का, धर्म का, जो हम आज मान रहे हैं, वो महापुरुषों ने भी नहीं दिया, मगर उनके नाम पे हम व्यापार करते हैं, नए नए आयतें जोड़ देते हैं, नए नए श्लोक जोड़ देते हैं और अपने दिमाग के हिसाब से हम उसका तर्जुमा करते हैं, बयान करते हैं, समझते हैं, मगर सच्चाई को बहुत नहीं समझ पाते, क्योंकि सच्चाई अनुभव की बात है। उसके बाद उन्होंने ये शब्दों को किताब के रूप में आया। तो दोस्तों, और उसी समय प्राण निकल जाते हैं और उस मेरी पत्नी के पेट में भी हलचल होती है वहाँ भी, और उस समय मुझे भी एहसास होता है, मुझे ठीक नहीं लग रहा था कि आज मुझे घर जाना है, मठी आना है अपने गांव। नेक्स्ट वीडियो में ये सब पूरे डिटेल में बताएंगे। आज हमें जो समझना है, जिस योग को मैं बताने वाला हूँ, जो गुप्त है और शब्दों में भी नहीं, वो सिर्फ अनुभव करने से समझ में आता है, फिर भी आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, बालक का अमृत का पान करता है, जिसे हमें जीवन मिलता है, जिसे बाइबल में मरियम जब वो पानी पीने गए यीशु, तो समेरियन नारी पानी पिला रही है, बोला है समेरियन लोग, यहूदी लोग तो नहीं पीते पानी। तो यीशु ने कहा कि मैं एक ऐसा पानी आपको दूंगा जो जीवन का जल है। ये जो जल है पृथ्वी का है, आकाश का है, समुद्र का आता है, अगर मैं आपको जीवन का जल दूंगा, जो आपको नवजीवन दे रहा है और जीवन में से प्रकट होगा वो जल। तो बालक जो पीता है अमृत का पान, वो ब्रह्मांड में से, इसे ब्रह्मांड माना गया हमारे ऋषि मुनियों ने, यहाँ से वो पीता है और वो जिंदा रहता है। आत्मा आने के बाद ईश्वर के साथ संपर्क में रहता है, ईश्वर का प्रकाश आनंदित हो जाए, अव्यक्त जो कण कण में व्यापक है, ईश्वर का सही स्वरूप
आनंद रूप और प्रकाश रूप है। चार प्रकार के लाइट इस विश्व में है, सनलाइट, उसके बाद सन में से ही पैदा हुआ है फायर लाइट, मून लाइट चंद्रा का प्रकाश, तीन, और चौथा जो है वो डिवाइन लाइट कहते हैं, दिव्य प्रकाश, अलौकिक है, और इससे ही ये पूरा विश्व का सृजन हुआ है, वही लाइट से। उसका नियमन भी होता है, संचालन भी होता है। तो उस डिवाइन लाइट को हमें अनुभव करना है बहुत ही आसान है। किसके लिए? जिसने अनुभव किया वही आपको करा सकता है। तो अर्जुन ने वो उस अनुभव को किया और वही गीता में लिखा है। मगर गीता पढ़ के भी आप 50 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, उस अनुभव को जब कृष्ण भगवान ने अनुभव करवाया अर्जुन को, उस दिव्य प्रकाश का जो विश्व में व्यापक है, आत्मा रूप में है, वो आप नहीं कर सकते। तब तक उस गीता के एक एक शब्द का आप समझ लेंगे मगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए नहीं आता है क्योंकि हम सच्चाई से बहुत दूर हैं, अनुभव से, प्रैक्टिकल ज्ञान से बहुत दूर हैं। इसलिए मैं मेरे ये टेक्निकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। तो दूसरा पॉइंट मैंने बताया, और उसका प्राण के अंदर, प्राण श्वासोश्वास चलता है, तो उसके अंदर वो अल्लाह का, ईश्वर का गुप्त शब्द है, जिससे इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ल्ड, बाइबल में लिखा है कि सृष्टि की शुरुआत से पहले एक शब्द था डिवाइन, जो अविनाशी शब्द है, वही शब्द गॉड है। वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज लाइट। सबसे पहले एक शब्द था और शब्द ही परमेश्वर है, परमपिता है, हमारा जो आत्मा है वो शब्द रूप में है, वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन पूरा विश्व में गूंज रहा है, जिसे मुरली की मुरली भी कहते हैं, कृष्णा की मुरली गूंज रही है। मैं सुन रहा हूँ अभी कानों से, आपको सामने ये दिखा रहा हूँ, ये कान इसलिए बंद है कि अंतःकरण से मैं ईश्वर का आनंद ले रहा हूँ, उसकी म्यूजिक मुरली सुन रहा हूँ। तो दोस्तों, प्राणों में ईश्वर का नाम है, ये तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट बहुत ही अगत्य का है, म्यूजिक भी मैंने कहा, प्रकाश का है। फर्स्ट पॉइंट है प्रकाश का दर्शन, आत्मा का दर्शन, अपने ओरिजिनल स्वरूप का दर्शन, उससे ही हमें मुक्ति मिलेगी, जन्नत में जाने का रास्ता है, जन्नत का द्वार यही है, जिसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं बाइबल में, हिंदू लोग भी स्वर्ग का द्वार। तो अंदर जाने का रास्ता हमें जीवन में ढूंढ लेना है, इसी जीवन में उसका अभ्यास के माध्यम से निरंतर रोज अभ्यास करते हैं, सुबह शाम उसे हम अभ्यास से जान सकते हैं। देखो ये मम्मी आरती कर रही है, उनकी मनोकामना मन से शब्द बोल रही है, तो हम भी अगर अनजान होती है तो उस समय भी हम ईश्वर को याद करते हैं। देखो दोस्तों, अनजान की आवाज़ भी आ रही है, इस तरफ आरती की आवाज़ ख़त्म हुई और अनजान शुरू हो गया। मैं सुन रहा हूँ मेरे अंतःकरण से,
तो वहाँ भी अनजान में सबसे पहले यही, अल्लाह तो महान है, पूरे सृष्टि का सृजनहार है, और उस नबी को मोहम्मद जो स्थापक है मुस्लिम धर्म के, मोहम्मद पैगंबर, उनका भी नाम लिया जाता है साथ में। सुनाई दे रहा है? तो अंतःकरण में जाना पड़ेगा, दुनिया की आवाजों से मुक्त होकर हम अंदर की ओर जाने का इशारा करते हैं कि अपने अंदर झांको, अपने अंदर जाओ, वहाँ खुदा लाइव है, जीवित रूप में है। आप जीवन, इसी जीवन में हमें जानना है, इसलिए मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य ही जान सकता है। जिसने भी पीर पैगंबर संत ऋषि मुनि या फास्टर हुए, संत हुए, मॉन्क हुए, बौद्ध धर्म के बौद्ध, बुद्ध ने भी अनुभव किया, सबका मार्ग एक ही है, यहाँ से ही वो रास्ता जाता है और उसी ज्ञान को जानते हैं। मगर भैया कि अलग अलग पद्धति से, अलग अलग चेहरे से हम उसे अलग अलग धर्म बना दिया है। वास्तव में वही एक ही रास्ता है और वही एक करेगा। ईश्वर अभी हाजिर नाजर रहेंगे, सबका न्याय करेंगे इस पृथ्वी पर भी, और भारत में तो जन्म ले चुके हैं। तभी मैं इस ज्ञान की, ध्यान की बात प्रैक्टिकल कर रहा हूँ कि आप भी जान सकते हैं। भले आप कितने भी पापी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, एक छोटा बच्चा ये अनुभव कर रहा था, वही योग। ये कोई लिखा पढ़ी वाला योग नहीं है, ये कोई पतंजलि का योग नहीं है, ये अनादि योग है। सृष्टि नहीं था उससे पहले का योग है। तभी हम सत्य को जान सकते हैं, अपने आप आत्मा रूप को जान सकते। तो आपके लिए दुनिया के सभी धर्म शास्त्र का रहस्य खुला हो जाता है। वहाँ सिखाना नहीं पड़ता है, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, अपनी भाषा में समझते जाएंगे, तो आपका अनुभव वहाँ गवाही देगा कि ये सत्य है, ये गलत है। तो उसमें जो भी आप मिक्स किया है गलत है, वो आपका अनुभव होगा, मगर उसका विरोध करना कोई ज़रूरी नहीं है। मूर्ति पूजा का विरोध करना, क्योंकि बाइबल में, कुरान में मूर्ति पूजा का विरोध है, मगर उसी परमात्मा ने सबसे पहले एक प्रतिमा बनाई। बाइबल में लिखा है, कुरान में भी है, पांच आसमानी किताब मानते जाते हैं, तौरात उसमें भी है, किस अल्लाह ताला ने सबसे पहले एक पुतला बनाया अपनी तरह। हम, हमारी जो शक्ल है वो अल्लाह की शक्ल है, उसी रूप में, मनुष्य रूप में, जो अल्लाह है मनुष्य रूप में, और उन्होंने पुतला बनाया और उसके अंदर एक फूंक मारी और हम इंसान जीता जाता बन गया, हम जिंदा हो उठे, जिसे हम आदम कहते हैं। हवा, उसके बाद उसके छाती में से एक पत्नी सहायकारी बनाई। इसके हम साइंटिफिक में नहीं जाते हैं, मगर सबसे पहले प्रतिमा बनाने वाला भी ईश्वर ही है। पहले प्रतिमा बनाई, तो आप बालक देखेंगे तो सब पहले उसका शरीर तैयार होता है, उसके बाद प्राण शक्ति आती है। तो उसी प्राण को हमें यहाँ से नाभि के अंदर से, सात चक्र है, आप मेरी माई स्माइल इंडिया में जाएंगे, उस सात चक्रों के बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। अलग अलग रंग वहाँ है, अलग अलग अनुभव होते हैं, और यहाँ दसवां द्वार इसे कहते हैं योगी लोग। तो दसवां द्वार अगर खुल गया आपका, तो ब्रह्मांड की, अनंत की यात्रा शुरू हो जाती है। वो ज्ञानी ही समझ पाता है, और जो अभ्यास करता है उसको अलग अलग अनुभव होता है। योगानंद ने अपने पुस्तक में ये सब बातें बताई है। मैं भी जब सदगुरु की कृपा से सतपाल जी महाराज और मुझे अनुभव कराने वाले संत बालकृष्णानंद जी अभी भी अहमदाबाद में हैं, वहाँ मानव उत्थान सेवा समिति शाहपुर में संचालन कर रहे हैं, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और सबको उपदेश, जिसे जिज्ञासा होती है उसे अनुभव कराते हैं। एक बार आपका द्वार खुल जाता है, आप आत्मा का, जैसे सूर्य उदित है, अपने शरीर के अंदर दर्शन कर लेते हैं, तो आपका जीवन एक बदल जाता है। सत्य जान जाते हैं, हमारा जीवन का सत्य क्या है। जिसने बुद्ध ने खोजा तब उन्हें ज्ञान मिला, मगर इसकी कृपा से हमें मिला। पिताजी भी ज्ञानी थे, उन्होंने कहा, मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था,
बीएससी करता था, उसके बाद एमएससी किया सूरत में और बीएड अहमदाबाद गुजरात विद्यापीठ में किया, यानी मास्टर डिग्री मैंने भी और बीएड भी किया, एमएससी बीएड मैथमेटिक्स के साथ। तो ईश्वर का मैं आभार मानता हूँ, अभी अपने अनजान भी सुनी और मेरे मम्मी के मुख से आपने आरती भी पूछा भी सुनी। तो हमारा एकता का देश है, तो हमें धर्म के नाम पर, धर्म के रिवाजों पर जो लड़ाते हैं वो शैतान का काम कहते हैं। और शैतान का नंबर 8 है, 00। आप 8 में इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ क्या है, 00, यानी सभी काम शैतान अपने वश में कर लेते हैं। चार ही लोगों के लिए ये भारत में काम होता है, हम दो और हमारे दो, आप जानते हैं। मेरी चैनल में उसका नाम लेना भी गुनाह माना गया है बाइबल में, कि शैतान का भी नाम मत लो दोस्तों। इसलिए आप समझ गए, तो 8 इसलिए उनको पसंद है। 8 बजे नोटबंदी की, सबको 00 कर दिया है। और अभी नए शिक्षण नीति लाएंगे, वहाँ भी हिंदू राष्ट्र बनाता है। हिंदू क्या है, हिंदू का योग भी नहीं जाती वो, भले उन्होंने योग दिन घोषित करवाया मगर योग खुद योग नहीं जानते। आसन करना योग नहीं है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, योग का एक अंग हो सकता है आसन, उसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग, मगर आज कलयुग में ईश्वर आपको उस अविनाशी नाम देगा, उस नाम की शक्ति से जो प्राणों में बस रहा है, उसका अभ्यास करने से तुरंत ही 2 मिनट जैसे हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही प्रकाश का दर्शन होता है। 10-15 मिनट अपने मन को स्थिर करना है और मन की जो सुरता है, ब्रह्मांड खुल जाता है और पूरे शरीर में से आत्मा की ऊर्जा यहाँ प्रकट होती है और आपका जीवन धन्य हो जाता है। आपको अलौकिक आनंद मिलता है, ऐसा आनंद विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। वही हमारा सच्चाई है, वही हम आनंद जब माता के गर्भ में थे, बाल्यावस्था में थे तो हम ले रहे थे। इसलिए बालक जब बाहर आता है तो चिल्लाता है, रोता है कि मैं कहाँ, क्योंकि अंधेरा आ गया, अब वो प्रकाश का दर्शन नहीं कर सकता। उनकी आँखें खुल गई, जो आँखें बंद थी और अंदर की आँखों से वो अल्लाह से कनेक्टेड था, ईश्वर से जुड़ा हुआ था। जैसे हमारा मोबाइल है, अगर नेट से कनेक्टेड हो तो हम सभी प्रकार का आनंद ले सकते हैं, व्हाट्सअप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम देख सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, फेसबुक पर चैटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, यूट्यूब का वीडियो का आनंद ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं या अपनी कमजोरियों को, ज्ञान को दूर करके हम उस चीज़ में मास्टरी में ले सकते हैं। आज स्टूडेंट के लिए यूट्यूब बहुत अच्छा है, मैंने माय स्माइल इंडिया में बताया कि किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेन ज्ञान है, इसलिए इसे राजयोग कहा गया है। सभी योग सभी विद्या का केंद्र बिंदु है। आत्मा नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो आत्मा में हमारा मन जो है उसको कनेक्ट करना है। जिसे मन कनेक्ट होता तो मन हमारा तन के साथ कनेक्टेड है। तो मन में जैसे वीडियो जो भी है मेमोरी वो अमेरिका में है यूट्यूब की, मगर जैसे ही हमारे पास नेट रहता है, इंटरनेट रहता है, वो हमें दिखता नहीं है, मगर हम कनेक्ट होते हैं हमारा मोबाइल में वो टावर दिखता है, तो हम दुनिया का आनंद देख सकते हैं, ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, नाच गाना ये सभी देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपने उस अल्लाह ताला के नाम में अपना श्वासोश्वास यानी मन को अटैच कर दिया, इसीलिए कहा है ब्राह्मण उसी को कहते हैं, ब्रह्म में जिसका मन है लीन है उसे कहते हैं ब्राह्मण। सनई के कर्मकांड कराता है वही ब्राह्मण है। आज तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जो मनुष्य उस ब्रह्म में अपने मन को लीन कर देता है वही ब्राह्मण है। और उसी समय इसलिए योगी है सन्यासी, आप जो भी कहे, भक्त कहे या जो भी कहें, अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द है ईश्वर के लिए। अगर पूरे दुनिया का भी नाश हो जाए, दुनिया का धर्मशास्त्र भी नाश हो जाए, तो भी वो ज्ञान रहेगा। वो ऐसा ज्ञान है, वो पुस्तकों का ज्ञान नहीं है। पुस्तकों में ऋषि मुनियों का अनुभव है, वो हमें आगे काम आता है जीवन में, इसलिए हम पढ़ते हैं और अपने प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं उनका भी विरोध नहीं करता,
मूर्ति तोड़ने को भी नहीं कहा, क्योंकि सबसे पहले मूर्ति ईश्वर ने बनाई और उन्होंने इसके अंदर जान फूकी है। तो ये जो मनुष्य शरीर है वो बहुत ही कीमती है, इसलिए उसकी मूर्ति को भी तोड़ना मना है, क्योंकि ईश्वर का सर्जन है। हाँ, उसके अंदर ही पूरा जीवन खत्म करना वो अज्ञानता है। इसके सत्य को जानो, आपके अंदर लाइव ईश्वर है। उसका मैंने आपको बताया, सबसे पहले ध्यान, फर्स्ट स्टेप प्रकाश का ध्यान करना, आत्मा अपने असली स्वरूप का ध्यान करना, तभी आप जान पाएंगे सत्य क्या है। सेकंड है अमृत का पान करना। ये चार वेदों में, चार ऋग वेद, योग सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, यही है। एक संगीत है, तीसरा यजुर्वेद, अथर्ववेद में आयुर्वेदिक ज्ञान है। जो अमृत का पान हम करते हैं, जीवन की शक्ति, प्रकाश का रूप वेद है, वो प्रकाश है आदि, सूर्य के अद्भुत रूप पूरा किस तरह सर्जन हुआ उसके बारे में है रूप वेद, सबसे पुराना माना जाता है। तो चारों वेद एक ज्ञान की चार क्रिया है। सबसे पहले प्रकाश की क्रिया, विष्णु भगवान के चार हाथ उसके प्रतीक हैं। एक हाथ में सुदर्शन चक्र है जो प्रकाश का प्रतीक है, फर्स्ट ध्यान करते हैं। दूसरा, हमने अमृत का पान किया, नवजीवन हमें देता है, जितना अभ्यास करेंगे तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, आपका आयुष्य भी बढ़ेगा, आपकी हेल्थ भी बढ़ेगी। फिर तीसरा, हमने वही खेचरी मुद्रा कहते हैं, जो तालवे पर जीव उल्टा लगाते हैं, बाइबल में भी उसका उल्लेख है, पुराने पाक में भी उल्लेख है कि झकरिया जो एक था उसका कोई लड़का नहीं था, मगर उनका तालवे पे छोड़ गया, 3 साल किसी से बोला नहीं, तो वो भी अमृत का पान उस समय कर रहा था। कोई क्रिश्चियन नहीं जानता, कोई मुस्लिम नहीं जानते, क्योंकि जो प्रैक्टिकल करेगा उसे पता चलेगा। तो ये दूसरा अमृत का पान, तीसरा है प्राणों का श्वासोश्वास, जो सबसे मेन है। ईश्वर का जो खुदा का नाम है उस शब्दों में नहीं है, वाणी में नहीं है, वाणी से हम जो बोलेंगे वो झूठा हो जाएगा, और ईश्वर पवित्र है, वो झूठा नहीं स्वीकार करता। अगर आप मान लो एक सेब का फल, एप्पल, मैंने अपने होठों से काट लिया यानी दांतों से मुंह में, और आपको दो प्रेम से आप खाइए, तो आप बोलेंगे यार ये तो झूठा कर दिया आपने, मैं नहीं खा सकता। खाने वाले खाते हैं, मगर ईश्वर का जो नाम है वो इस ये नाश्वंत शरीर है, उसमें वो ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, इसलिए झूठा माना गया। तो वो शरीर का गुण है, यीशु के नाम पहन वगैरह नाम लेना, उससे आपको थोड़ी प्रेरणा मिलेगी, दिव्यता अनुभव होगा, मगर सत्य का दर्शन नहीं होगा। अपने आप का स्वरूप असली, अगर मैंने उस ईश्वर को देख लिया तो मेरा ही कल्याण होगा, मेरी पत्नी का कल्याण नहीं, उससे भी कल्याण करना है तो वो भी, उसे भी अपने अंतरात्मा में जाके ध्यान से उसे दर्शन करना पड़ेगा। इसी प्रकार महावीर पैगंबर ने उस अल्लाह के साथ एकाग्र किया तो उनका उद्धार हुआ, हमारा नहीं होगा। उसने जो आयत दी वो पढ़ने से हमें समझ में आएगा, मगर वो पढ़ते ही रहेंगे तो उससे हमें कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कि सत्य किताबों में नहीं है, अपने अंदर जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा, किताबों को भी वहाँ बाहर छोड़ देने पड़े। जैसे बाइक लेके हम कहीं जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो हमारे टेबल में ऑफिस में हम बाइक नहीं रखते हैं, बाइक को बाहर रख देते हैं। इसी प्रकार इस शरीर है, उसे हमें बाहर रख के हमें अंतरात्मा में एक नई अंदर जाके अपना काम करना पड़ता है, योगी लोग ही जानते हैं। तो बाइक को बाहर रखना, इसी प्रकार इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। अगर आप सत्य को नहीं जानेंगे तब तक, जैसे ही आप सत्य को जान लिया तो सो ये देव को भी दुर्लभ है, आपको पता चलेगा, मगर ये भी आपको ज्ञान होगा कि इसका भी नाश होगा, इसलिए इसका मोह नहीं होगा। तो इसके साथ कपड़े से हम धर्म को जान सकते हैं, यानी बाह्य धर्म को, जो वास्तव में धर्म नहीं है। तो अगर इस योग को जानेंगे जो अनादि है, तो आप सच्चे मुसलमान बनेंगे, क्योंकि अनजान करते हैं तो हम कान को टच करते हैं, यानी इलाही जो अल्लाह का
संगीत है, म्यूजिक है, उसे हमें सुनना है। अनजान वही है कि कानों से सुनो और अल्लाह की तरफ अपने मन को, अपने शरीर को लगाओ, है ना। आरती होती है, आरती का घंटा बजता है तो हमें तुरंत याद आता है, चलो मंदिर में जाना चाहिए, तो ईश्वर हमें याद आता है, तो वहाँ भी हम नमन करते हैं, आँख अपने आप बंद हो जाती है, यानी ईश्वर भी अंदर है, मूर्ति तो बाहर एक प्रतीक है। वो भी कहता है, भाई असली ईश्वर तो तेरे अंदर है, मेरे पास आके क्या कर रहा है। गए थे भगवान को दर्शन देखने, आँखों बंद क्यों हो गई? भगवान को देखना है तो आँख खुली रखनी चाहिए, मगर वो हम जानते हैं, हमारी अंतरात्मा कहती है कि ये तो मिट्टी का है, बनाने वाला कोई है, कलाकार है, वो सत्य नहीं है, एक स्वरूप है, सत्य उसके अंदर नहीं है। भले पंडित ने उसके प्राण प्रतिष्ठा की, वो बोलने चालने वाला नहीं है, बोलने चालने वाला एक खुदा का पुतला, खुदा की मूर्ति हम हैं, तो इसी में खुदा मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे। तो मैं आशा रखता हूँ आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मानव धर्म आप YouTube पर लिखेंगे, बोलेंगे तो सत्यपाल जी का सत्संग आपको मिलेंगे, जो मानव धर्म के प्रणेता है और आज उत्तराखंड में एक मिनिस्टर पद पर है बीजेपी के साथ ही, मगर वो सच्चाई के साथ है, भले समय के अनुसार जी रहे हैं, उनके 5 से 10 हज़ार आश्रम हैं, संत महात्मा है जो सन्यासी जीवन जीते हैं और इस सत्य का अनुभव कराते हैं। जिसे जिज्ञासा होती है तो उन्हें पहले मन की शंकाओं का समाधान करते हैं, जिसे हम सत्संग कहते हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार आपको समझाते हैं, उसे अनुभव करना, उसके बाद आपको जब जिज्ञासा होगी तो आपको अनुभव कराते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, एक रुपया भी आपको वहाँ देना लेना नहीं है, क्योंकि ईश्वर की जो चीज़ है वो मुफ्त है। हम जो पानी पीते हैं प्रकृति ने हमें दिया, हवा जो सांस लेते हैं उसका भी हम बिल नहीं देते हैं, जो प्रकाश का दर्शन हम करते हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी है आत्मा की जिससे हमारा पूरा तंत्र चलता है, उसका भी लाइट बिल या एनर्जी बिल हम नहीं भरते हैं, वो भी फ्री में है। तो इसी प्रकार एक ज्ञान भी फ्री में है, शब्दों से परे हैं, यहाँ कोई शब्द भाषा महत्व का नहीं है, वहाँ मौन है। आप जब अंदर जाएंगे तो वहाँ इस दुनिया की कोई भाषा की जरूरत नहीं है, वहाँ ना उर्दू चलती है, ना संस्कृत चलती है, ना हिंदी चलती है, बस भाषा शब्दों के परे जाना पड़ता है। और मन जब उस प्राणों में, आप प्राण की जो गति है, प्राणायाम और अनुलोम विलोम जिसे कहते हैं, प्राण में प्राण अपान श्वास उच्छ्वास जो लेते हैं उसमें ही उसे ईश्वर का गुप्त नाम छिपा हुआ है, और उसे जान लेना ही वास्तव में सच्चा इंसान बनना है, सच्चा मुसलमान बनेंगे, सच्चा हिंदू बनेंगे। कट्टर नफरत फैलाने वाले हिंदू नहीं होता है, जो मुसलमान भी आज नफरत हिंदू के प्रति कर रहे हैं, नूरपुसलमान वो चमड़े की जमा रहे हैं, माफ कर देना चाहिए। अगर आप लड़ेंगे, पूरा एक हो जाएंगे, तो महमद पैगंबर ने खुद ही कहा है 14वीं सदी में मुस्लिम धर्म का नाश होगा। और क्यों नाश होगा? क्योंकि ईश्वर अल्लाह खुद हाजिर नाजिर रहकर कयामत का दिन माना जाएगा, उस समय सबका न्याय करेंगे। तो उस समय इस भारत से शुरू हो गया है, 2 साल ही काफ़ी है दोस्तों, इसलिए आप सच्चाई के साथ रहो। अगर आप अच्छा मुसलमान बनना चाहते हैं तो इस सत्य के ज्ञान का अनुभव करो, उनके पास जाओ, वहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, आप अनुभव करो, इंसान है, आपको भी अनुभव कराया जाएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप ले लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं, या मैसेज से बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं काम में बिजी रहता हूँ, तो आपसे व्हाट्सअप में चैटिंग से, शब्दों से, हम बोलते नहीं हैं मगर व्हाट्सएप में जो लिखते हैं वो आप समझ जाते हैं। तो भले हमारे बीच की दूरी लाखों किलोमीटर हो तो भी इस सिस्टम से, क्योंकि हम सिस्टम से कनेक्टेड है, मोबाइल से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इसी प्रकार हमारे विश्व का जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ईश्वर है, उसका इस टावर हमारे अंदर है,
और उसके लिए जो डेटा है, ये प्राण शक्ति है, डेटा है, इसको सीम कहते हैं। सीम का आप उल्टा करेंगे तो मसी, जो जान लेता है वही मसी है। ईश्वर को जो जान लेता है उसे बाइबल में मसी कहते हैं, मसीहा। तो आप भी मसीहा बनो। चार प्रकार का जो क्रिया है विष्णु भगवान के माध्यम से हम बताते हैं, विश्व के कण कण में, विश्व के अणु में व्यापक है, इसलिए इसे विष्णु कहते हैं। चार आपने प्रकाश, फिर अमृत का पान, तीसरा संगीत म्यूजिक, और चौथा जो प्राणों में जो शब्द है जिससे पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ, आदि शब्द एक ऐसा वाइब्रेशन है जो इस सभी को धारण किया हुआ है, पूरा विश्व को धारण किया है, पृथ्वी को, ब्रह्मांड को, सबको चला रहा है, घुमा रहा है, वही एनर्जी उस शब्द में है। तो आज शब्द हम ऐसा नहीं है कि सोते नहीं जान सकते, हम सोते हैं तो भी वो प्राणों में हमारा मन रहता है, उस ईश्वर का जो तस्वीर है घूम रही है, ईश्वर खुद घुमा रहा है। हाथों से घुमाएंगे तो हाथ दर्द करने लगेगा, ऐसा समय आता है आप घुटने ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते। दोस्तों मैंने देखा है, उम्र हो जाती है तो घुटना भी काम नहीं करता है, चलने में भी दिक्कत हो जाती है। तो उस समय ये बाहर की जो हम सज्जा करने की या नमन करने की जो परंपरा है उसे छोड़ना पड़ेगा, यानी बस सोते उठते बैठते उसके अंदर लीन रहना है, उस नाम के अंदर, खुदा के जो एक अव्यक्त नाम है अल्लाह का, जो मोहम्मद ने जाना, मोहम्मद को कहा, आकाशवाणी हुई कि तू राम रब के नाम से पढ़ शुरुआत कर। तो उस समय हमारे जो अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि हे खुदा, मैं तो अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ, मुझे पढ़ने नहीं आता, तो कैसे आपका नाम मैं पढ़ूँ। आप सोचिए कि जो अबन है, अनपढ़ है, वो भी उस नाम का जप कर सकता है। अगर आप मान लो बाइबल पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, तो उर्दू जानना ज़रूरी है। उर्दू नहीं सीखेंगे तो आप उस रहस्य को, उनकी आयतों को, मतलब को नहीं समझ पाएंगे। तो आपको सीखना पड़ेगा, जबकि कुदरत का ऐसा ज्ञान है, वो हम माता के गर्भ में उसका कनेक्टेड थे, ईश्वर के साथ थे, अल्लाह का नूर का हम दीदार कर रहे थे, आनंद में थे, मगर बाहर आते ही हम दुनिया के काम में पड़ गए। इसे कहते हैं मोह। वास्तव में जो सत्य नहीं है उसे हमने सत्य समझ लिया है। तो ये जीवन रहते पहले हम सत्य को जाने और ईश्वर के नूर को अपने अंदर जानो, अपने खुदा को अपने अंदर, मैंने जो दर्शन किया वो मेरा खुदा है, इसी प्रकार सभी अपने अंदर उस खुदा को जाने। खुदा तो एक ही है, मनुष्य शरीर अलग हो सकते हैं, पैगंबर को हम खुदा मानते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि उनका मन लीन रहता है, वो भी खुदा का ही एक रूप माना गया है भारतीय धर्मशास्त्र में। उस संत को भी, क्योंकि वो लवलील है, कनेक्टेड है, तो उसके अंदर भी वो शक्ति आ जाती है, मानवता, प्रेम, दयालुता, जो भी खुदा का गुण है, करुणा, शांति, वो सभी गुण हमारे जीवन में ऑटोमेटिक आएगा, सिखाने की जरूरत नहीं है। तो उस सत्य ज्ञान को आप जाने, सत्य योग को जाने, जो सृष्टि से पहले कृष्णा भगवान ने अर्जुन को दिया, वो सबके लिए है। और जितने भी प्रॉफिट हुए, पैगंबर हुए, सब ने यही ज्ञान सबको दिया। तो देखते रहे, स्मार्ट यूट्यूबर बनो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो पूरा देखा तो व्हाट्सअप करते रहिए, जिज्ञासा होगी मैं आपको रास्ता बताऊंगा। आप जिस शहर में है वहाँ आप वहाँ आश्रम में जाके सच्चाई को अपने धर्मशास्त्र के अनुसार जान सकते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक, वो अवतार अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से आपको एक नहीं लगेगा, मगर अंतरात्मा में सब एक हैं, हम भी एक हैं। मैं और यीशु दोनों ईश्वर के संतान हैं, तो यीशु और मेरे लिए दोनों में कोई ईश्वर के लिए कोई भेदभाव नहीं है, भले यीशु ने पूरे विश्व में सत्य का ज्ञान दिया हो, ईश्वर के लिए
दोनों समान हैं, जीव है, दोनों उनके पुत्र हैं, मगर जो उनका ज्ञान का प्रचार करते हैं, अपने जीवन उसी में लगाते हैं सच्चाई की तरफ, तो वो सबसे प्यारा होता है। यही बात अर्जुन को कृष्ण ने भी कहा कि जो मेरा ज्ञान का, ध्यान का, अनुभव का बात सबसे करता है, वो इस धरती पर मुझे सबसे प्यारा है। तो हम ईश्वर के, अल्लाह के, खुदा के, गॉड के प्यारे बने। तो देखते रहे और आपके चेहरे पे स्माइल हो, क्योंकि आज नफरत की आग शैतान ने लगा दी है। सबको 888 कर रहे हैं, 00 कर रहे हैं, शिक्षा को 00 कर दिया बेच के। प्राइमरी में, एक नर्सरी में इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो 75,000 देना पड़ेगा, जो इंजीनियरिंग में लगता था। तो इसलिए शोषण बढ़ रहा है, क्योंकि अत्याचार बढ़ेगा तभी ईश्वर प्रकट होते हैं। तो ईश्वर को जानने के लिए अपने आप को पहले जानना जरूरी है। तो देखते रहिए, स्मार्ट यूट्यूबर बनो, और सबको अपने ग्रुप में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाइए सब्सक्राइब का, और प्रेस आइकन घंटी का भी बटन दबा दीजिए, ताकि नई नई वीडियो, नई जानकारी कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। आप जितने भी संप्रदाय हैं, इस सच्चाई को आपको नहीं बताएंगे, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी हो, वो भी एक परंपरा में पड़ गए हैं। उनको जो संस्थापक थे, जो बाबा कहते हैं शिव बाबा, उनको एक ज्ञान था, मगर वो चले जाने के बाद वो अधिकार दूसरे के पास चला जाता है। इस प्रकार कबीर के पास आ गए, फिर दादू दयाल के पास आ गए, संतों के पास, तो वर्तमान में अभी खुदा के पास, ईश्वर ने खुद इस धरती पे आके अपने संतों के साथ, अपने सभी वही शक्तियों के साथ अवतार ले लिया है, और इस काम में लगे हैं कि जितना हो सके इंसान को बचाया जाए इस नफरत की आग से। धर्म नफरत नहीं है, जो नफरत करता है एक दूसरे को, वो ईश्वर से नफरत करता है, अपने आप से नफरत करता है। इसलिए नफरत करना छोड़ो और सच्चाई जानो। हमारे जो कुएं की मेढक है, सुबह से लेकर शाम तक जो विचार है, हमने दीवार बना दी है, मैं हिंदू हूँ, तू क्रिश्चियन है, तू जैन है, ये सिख है, ये सब परंपरा के अंदर जो सत्य ज्ञान है उसे जानो, तभी आप सत्य को जान सकते हैं। और सच्चा अपने धर्म का, वो आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन बन सकते हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम बन सकते हैं, हिंदू है तो हिंदू बन सकते हैं, ऐसा ज्ञान है। जैसे अगर आपने 32 जात का पकवान बनाया और उसमें एक नमक नहीं डाला तो पकवान का, सभी पकवानों का स्वाद नहीं आएगा। तो इसी प्रकार ये जो गुप्त ज्ञान मैंने बताया आपको, ईश्वर का जो नाम है, उससे लेते ही हमारे जीवन पवित्र हो जाता है, और उसमें कोई समय नहीं लगता। उठत बैठत सोवत जागत नाम, तीन के सद गए सब काम। गुरु नानक ने यही कहा, उठते बैठते सोते जागते हर समय उस नाम में आपका मन ऑटोमेटिक लीन हो जाता है। हाथ से तस्वी माला घुमाने की भी जरूरत नहीं है, लोग माला इस तरह भी घुमाते हैं, कोई ऐसे ऐसे घुमाते हैं, कोई उल्टा घुमाते हैं, तो इस सब चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। माला भी आप जितने भी बाहर क्रिया कर रहे हैं, सब इसके अंदर कनेक्टेड है। आपने अपना कीमती टाइम निकाला, इसलिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटी का बटन भी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने आत्मशक्ति को जानिए।